सो हेलो गाइस, दिस इज विनय फ्रॉम इन्फो इंस्टा। और यार, जैसे कि आपको टाइटल पढ़कर पता लग ही गया होगा कि आज जो है हम एक इलेक्ट्रिक साइकिल लेने आए हैं। ये आप पीछे देख रहे हैं, ये है इलेक्ट्रिक वन का शोरूम और मैं हूँ फिलहाल नोएडा में। तो यहाँ पर जो है हम चेकआउट करेंगे कि कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं। बेसिकली ये मल्टी ब्रांड स्टोर है और यहाँ पर हम लेने आए हैं अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल। तो आइए, चलिए चलते हैं। मैं आपको पूरा जो शोरूम है उसका वॉक थ्रू देता हूँ और देखते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है। पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए चलिए चलते हैं। देखिए, ये ब्रांड्स हैं जो अवेलेबल हैं यहाँ पर। ये देखिए गोजीरो, हेलो सर, कैसे हैं आप? वेलकम टू इलेक्ट्रिक वन फ्लैगशिप स्टोर नोएडा। ओके, सो सर, मैं यहाँ पर एक्चुअली एक गोजीरो की साइकिल देखने आया था, तो आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से जो साइकिल्स के मॉडल अवेलेबल हैं? और साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर स्कूटीज भी हैं, तो प्लीज़ आप इसके बारे में बताएं हमारे ऑडियंस को। जी, तो हमारा जो स्टोर है इलेक्ट्रिक वन, तो हमारा जो यूनिक जो यूएसपी हमारा ये है कि दिस इज अ मल्टी ब्रांडेड स्टोर। यहाँ पे आपको कई ब्रांड्स के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और ई साइकिल्स एक ही रूप के अंदर मिलेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास बहुत ही वाइड वैरायटी के चॉइसेस हैं। हमारे पास 12 ब्रांड्स हैं जिनके अलग अलग मॉडल्स हमारे अवेलेबल हैं, और इससे कस्टमर को एक इंडिपेंडेंस मिलता है कि वो कई मॉडल्स को कंपेयर करके अपने हिसाब से चूज कर सकता है कि उसका कौन सा फेवरेट मॉडल है, ही कैन टेक दैट होम। और देखिए, ये आ गई हमारी साइकिल्स जो हम बेसिकली लेने आए हैं। तो आइए पहले इनके बारे में बात करते हैं मिस्टर सौरभ जी से। तो सर, आप हमें बताएंगे कि बेसिकली गोजीरो ब्रांड के बारे में, जैसे ऑडियंस काफ़ी जानना चाहती है कि गोजीरो ब्रांड का ओरिजिन क्या है और कैसे ये आया, और इलेक्ट्रिक वन के साथ इनका क्या जो है टाइप है, उसके बारे में आप प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, बिल्कुल। तो गोजीरो जो है, गोजीरो इंडिया का वन ऑफ द टॉप और सबसे हाई सेलिंग ई साइकिल ब्रांड्स हैं, और इनके जो बिल्ड और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी और इंडिया में भी। तो गोजीरो बेसिकली ये यूके की ब्रांड है और इनके पास काफ़ी अच्छे इनके स्टैंडर्ड्स हैं बिल्ड और क्वालिटी के, और इवन जो इनकी प्राइसिंग है वो भी काफ़ी कंपेटिटिव। ओके, सो जैसे इसमें कौन कौन से मॉडल्स आते हैं, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ जी सर, तो गोजीरो के बेसिकली हमारे पास तीन मॉडल हैं। एक है स्केलिक, दूसरा स्केलिक प्रो और तीसरा माइलेक्स। Okay. तो ये तीनों ब्रांड अलग अलग प्राइस रेंज के हैं और इनके फीचर्स भी और स्पेसिफिकेशन भी थोड़े से डिफरेंट है। आपको मैं उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ एक एक करके। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन रहेगा, जैसे एक इलेक्ट्रिक वन है, तो इलेक्ट्रिक वन में हमारे पास कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल है? जैसे ऑलरेडी हम बीरोस देख चुके हैं, पर आप एक बार अगर पूरी लिस्ट बताएंगे तो उससे यूएस जो है वो ज़्यादा समझ पाएंगे कि अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रिक वन में आते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वन में बेसिकली हमारे पास काफ़ी सारे ब्रांड हैं टू व्हीलर्स में, थ्री व्हीलर्स में और ई साइकिल्स में। तो अभी पहले हम स्टार्ट करें साइकिल्स के लिए, तो साइकिल्स में हमारे पास अभी दो इलेक्ट्रिक साइकिल्स के ब्रांड्स हैं, एक गोजीरो और दूसरा नेक्सू। ये दोनों ही काफ़ी अच्छे ई साइकिल के ब्रांड्स हैं और इनका काफ़ी अच्छा डिमांड है मार्केट में। उसके अलावा टू व्हीलर में हमारे पास कम से कम 7 या 8 अलग ब्रांड्स हैं, जिनमें से जो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं वो आपने सुना होगा काइनेटिक, विच इज द सेम काइनेटिक जो पहले स्कूटी निकाला करते थे, वो इलेक्ट्रिक में आ चुके हैं। तो काइनेटिक ब्रांड है, जेमोपाई एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, देन उसमें जीटी फोर्स, बैटरे और कॉस बाइक, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर और हाई डिमांड में रहते हैं और इनकी जो रिस्पॉन्स है वो पब्लिक से काफ़ी अच्छी है इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए। ओके, तो ठीक है गाइस, और आपने थ्री व्हीलर्स भी बताया। हाँ जी, थ्री व्हीलर्स में हमारे पास मयूरी का डीलरशिप है। अच्छा। तो मयूरी थ्री व्हीलर्स ई रिक्शाज में सबसे ज़्यादा चलते हैं, स्पेशली एनसीआर रीजन में सबसे ज़्यादा मयूरी का ही डिमांड है, एंड हमारे पास उसकी भी डीलरशिप है।
सो गाइस ये तो हो गया इलेक्ट्रिक वन के बारे में। अब आइए मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो तीन मॉडल सर ने बताए वो किस किस प्राइस रेंज के हैं और साथ में उनकी रेंज क्या है, साथ ही साथ उनकी जो टॉप स्पीड है वो क्या है। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास तीन मॉडल हैं, तो सबसे पहले हमें दिख रहा है माइल। तो आइए सर से पूछते हैं कि सर इसका प्राइस क्या है, इसकी रेंज क्या है और टॉप स्पीड क्या है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम ये गो जीरो का माइल मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो ये वाला जो मॉडल है इसका टॉप स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर का, इसका रेंज है 35 किलोमीटर, सिंगल चार्ज में 35 किलोमीटर ये चल सकती है। और इसका जो प्राइस रेंज है दिस इज समवेयर अराउंड 35,000। ओके, और इसके बाद सर हमें दिख रहा है स्केलिक। तो स्केलिक के बारे में आप प्लीज बताइए कि इसका जो है क्या प्राइस रेंज है। हाँ जी, तो ये दूसरा मॉडल है स्केलिक, इसका जो टॉप स्पीड सेम है 25 किलोमीटर पर आवर का, इसका रेंज है 45 किलोमीटर का, और इसका जो प्राइस रेंज है दैट इज अगेन 36,000। ओके, सो इन दोनों का प्राइस जो है वो सेम है, ठीक है। तो एक बार ये भी मेरे मन में क्वेश्चन आया कि इन दोनों में बेसिकली फिर डिफरेंस क्या हुआ, जैसे प्राइस सेम है और इसकी रेंज भी सेम है जी, तो दोनों में डिफरेंस? इनमें दोनों में डिफरेंस सिर्फ लुक में है। अगर आप देखेंगे माइल एक्स ये ज्यादा कॉम्पैक्ट मॉडल है और स्केलिक थोड़ा सा बल्की मॉडल है, तो ये दिस इज मोर सूटेड फॉर ऑफ रोड और एडवेंचर बाइकिंग के लिए ज्यादा सूटेबल है, और वो डेली कम्यूट या फिर सिटी में चलाने के लिए इट इज मोर कम्फर्टेबल। और यहाँ पर हमें दिख पा रहा है स्केलिक प्रो, तो सर इसके बारे में प्लीज बताइए। जी, तो स्केलिक प्रो जो है वो सबसे हाई एंड मॉडल है गो जीरो का जो हमारे पास अवेलेबल है। इसमें आपको एक चार्ज में 70 किलोमीटर का रेंज मिलेगा, टॉप स्पीड इसका सेम है 25 किलोमीटर पर आवर, बट इसका जो टॉप स्पीड इसका जो रेंज है दिस इज व्हाट इज द बेस्ट जो गो जीरो के मॉडल्स में हमारे पास है। ओके, इसका प्राइस रेंज थोड़ा ज्यादा है, दिस इज अराउंड 46,000। ओके, तो गाइस आपने देख लिया कि तीनों मॉडल्स के बारे में सर ने आपको बताया, और यार अब सर ने मुझे कंफ्यूज कर दिया कि मैं कौन सा उठाऊँ। देखिए एक इन्फॉर्मेशन और मैं आपको बता दूं कि जो माइल और जो स्केलिक है दोनों में सिंगल स्पीड गियर है, और जो स्केलिक प्रो है वहाँ पर आपको 21 स्पीड गियर लगता है। तो जो 21 स्पीड गियर्स हैं उसके साथ आपकी कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छी बन जाती है, तो मेरा मन कर रहा है कि यार स्केलिक प्रो क्यों ना उठाया जाए। तो अब चलते हैं और इसके एक बार टेस्ट ड्राइव लेते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि यार मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा टेस्ट ड्राइव का और कैसी लगती है चलाने में। पहले मैंने स्केलिक चलाई हुई है, जैसे कि आपको पता है आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, स्केलिक की वीडियो हमने बनाई थी ऑलरेडी। तो अब स्केलिक प्रो आज मौका है तो स्केलिक प्रो चला के देखते हैं और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि यार दोनों में से कौन सी उठानी है। अच्छा एक चीज़ और कि सर ने जो मुझे बताया वो ये कि यहाँ पर आप फाइनेंस भी करा सकते हैं। फाइनेंस कराने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और साथ ही साथ आपको चाहिए होगा अपना जो बैंक स्टेटमेंट है वो, तो आप चाहें तो इनको फाइनेंस भी करा सकते हैं, फाइनेंस भी हो जाएगी। और यहाँ पर एक और ऑफर क्या है कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग साइकिल है तो आप वो भी ला सकते हैं, और आपको काफ़ी अच्छी एक्सचेंज वैल्यू भी यहाँ पर मिल जाएगी गो जीरो की तरफ से। तो आइए चलिए चलते हैं एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव लेकर आते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि यार स्केलिक जो मैंने चलाई थी और स्केलिक प्रो दोनों में मुझे क्या डिफरेंस लगा और चलने में कैसी है साइकिल। चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं इसकी टेस्ट ड्राइव लेने, तो चलो टेस्ट ड्राइव लेते हैं। सो गाइस आप देख रहे हो कि स्केलिक प्रो जो है हम चला रहे हैं, और यार इसका सबसे बड़ा जो मज़ा आ रहा है ना वो आ रहा है 7 स्पीड के साथ, मतलब सच में इतने बढ़िया कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। तो लास्ट टाइम जब हमने स्केलिक चलाई थी तो हमें क्या प्रॉब्लम आती थी कि यार जब स्पीड ज़्यादा होती थी ना तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। सो गाइस मैं आ गया हूँ टेस्ट ड्राइव लेकर, और यार मैं आपको सही बताऊँ तो जो पहले मैंने स्केलिक चलाई थी ना उसमें सिर्फ उस टाइम मेरी यही डिमांड थी कि इसमें यार 21 स्पीड गेयरबॉक्स आना चाहिए, और उसके साथ जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा सही हो जाता है। मैं सही बताऊँ तो जैसे आप लो स्पीड पे हो तो आप गियर्स छोटे रख सकते हो, और जब आप मतलब खुली रोड पे जा रहे हो तो आप गियर हाई रख सकते हो, उसकी वजह से जो पैडल की स्पीड है वो कंट्रोल में रहती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाती। और देखने में यार देखो कितनी प्यारी लग रही है, मैट कलर जो है सच में दिल आ गया इसके ऊपर, और बहुत ही बढ़िया तरीके से डिज़ाइन की हुई है। और अच्छा एक चीज़ और कि इसके जो व्हील्स हैं वो भी रिमूवेबल है, तो आप व्हील्स जो हैं वो हटा सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पर जो बैटरी है वो भी रिमूवेबल है। अच्छा और एक और चीज़ मुझे जो सही लगी वो ये लगी कि स्केलिक के मुकाबले इसमें जो ये
कंसोल है ये काफ़ी बड़ा दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर बटन की क्वालिटी भी बहुत इम्प्रूव हो गई है। और जो ये गियर सिस्टम है उसमें आप देख सकते हो एक ही जगह पर दोनों आपको लीवर दिए गए हैं, नीचे और अप करने के, और ऐसा ही इस साइड पर भी है। जबकि क्या होता है कि जनरली एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, जबकि आप यहीं से कर सकते हो, तो बहुत ही ईजिली ये एक्सेसिबल है। और दोनों साइड आपको जो है डिस्क ब्रेक मिलती है, तो इसकी स्टॉपिंग पावर भी बहुत सही हो जाती है। और आगे जो है आपको मिलता है यहाँ पे फ्रंट में लाइट, तो पूरा अच्छा रहा काफ़ी एक्सपीरियंस। तो आओ आप जो है इस यही लेंगे यार, यही पसंद आ रही है, तो चलो आओ इसकी जो पेमेंट प्रोसेस है वो शुरू करते हैं और फिर इसे आज घर लेके जाते हैं। तो गाइज फाइनली पेमेंट प्रोसेस पूरा हो गया है, अब बारी है डिलीवरी की, और हम लेके जा रहे हैं स्केलिक प्रो घर अपने, और फिर आपको इसका जो है पूरा डिटेल रिव्यू कभी देंगे। इसको मैं चला लेता हूँ और फिर उसके बाद आपके साथ इसका ऑनरशिप एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, सारी बातें आपके सामने रखेंगे कि कैसी रही इसके साथ ऑनरशिप एक्सपीरियंस। फिलहाल डिलीवरी लेते हैं, और काफ़ी घर से कॉल भी आ रहे हैं, तो फटाफट डिलीवरी लेके चलते हैं घर। कंग्रेचुलेशन जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।